स्मॉल एंड स्वीट फैमिली ऑफ औरंगजेब। जी हाँ, वेरी वेरी स्मॉल एंड वेरी वेरी स्वीट फैमिली थी औरंगजेब की। आइए औरंगजेब के भाई बहनों को जरा एक नजर डाल लेते हैं। औरंगजेब फादर वॉज शाहजहां। शाहजहां की 10 बीवियाँ थी, 10 में से 3 बीवियाँ मेन थी। द फर्स्ट मेन वाइफ वॉज कांधारी बेगम, ऑल्सो नोन एज परहेज बानू बेगम। सेकेंड मेन वाइफ वॉज अर्जुमंद बानू बेगम, ऑल्सो नोन एज और पॉपुलरली नोन एज मुमताज महल। इनसे इनको 14 बच्चे थे, क्योंकि दोनों में प्यार सबसे ज़्यादा था। थर्ड वन इज़ दी अकबराबादी बेगम, ऑल्सो नोन एज जहां अफरोज मिर्जा। क्योंकि मुमताज महल का जो रुतबा था वो बहुत ही ज़्यादा था, उसकी वजह से जो बाकी वाइफ्स के बच्चे थे उनकी इतनी कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं थी, और उन्हें किसी भी सूबे का कोई इंपॉर्टेंट रोल भी नहीं दिया गया, इसलिए इतिहास के पन्नों में से उनके जो नाम है वो गायब। आइए शाहजहां और मुमताज के उन 14 बच्चों की बात कर लेते हैं। सो ये 14 बच्चे ऐसे हैं: हुरुल निसा, जिसकी एज ऑफ 3 में ही डेथ हो गई थी स्मॉल पॉक्स की वजह से। जहानारा बेगम, जो कि 67 की एज में डेथ हो गई थी, शी वॉज अनमैरिड। दारा शिको, जो कि सबसे बड़ा बेटा था। शाह सूजा, उसके बाद रोशनारा बेगम, जो कि अनमैरिड थी और उसकी डेथ हुई थी 54 की एज में। नेक्स्ट वन इज़ औरंगजेब, ऑल्सो नोन एज मुही अल्दीन मोहम्मद, ऑल्सो नोन एज आलमगीर। इजाद बख्श, जिसकी बहुत ही बचपने में डेथ हो गई थी। सुरैया बानू, जिसकी एज ऑफ 7 में डेथ हो गई थी स्मॉल पॉक्स की वजह से। एक बेटा जो जिसका नाम भी अभी नहीं रखा गया था, उसकी भी डेथ हो गई थी। मुराद बख्श, जो कि सबसे छोटा बेटा था। उसके बाद 3 और बच्चे हुए थे: लुफ्तल्ला, दौलत अफजा और हुस्नारा बेगम। इन तीनों की बचपने में डेथ हो गई थी। लास्ट जो बेटी थी वो थी गौहर आरा बेगम। इस बेटी को डिलीवरी देते समय मुमताज की जो है डेथ हो गई थी, और ये बेटी भी अनमैरिड थी, एज ऑफ 75 में इसकी डेथ हुई थी। सो ये जो 14 भाई बहन थे औरंगजेब के, इनमें से 7 जो हैं वो बचपन में ही उनकी डेथ हो गई थी। बाकी जो ये 7 भाई बहन बचे हुए थे, इनमें से जो 4 भाई थे, ये चारों भाई चाहते थे कि मुगल जो सल्तनत है वो उन्हें मिले, वो भी उस वक्त जब शाहजहां डेथ बेड पे था। वैसे तो शाहजहां दारा शिकोह को ही मुगल बादशाह बनाना चाहता था, लेकिन बाकी जो भाई थे वो भी मुगल बादशाहत हासिल करना चाहते थे। जब शाहजहां बीमार पड़ा तो दारा शिकोह दिल्ली में ही मौजूद था, और बाकी भाई अपनी अपनी रियासतों में थे। ये खबर सुनने के बाद सभी दिल्ली की तरफ कूच कर गए अपनी अपनी सेनाओं के साथ। सबसे पहले दारा शिकोह ने शाह सूजा को हराया और वो वहां से भाग गया। औरंगजेब ने अपने सबसे छोटे भाई मुराद बख्श के साथ हाथ मिलाया और मुराद बख्श को यह लालच दिया कि मैं तुम्हें मुगल बादशाह बनाऊंगा। दोनों ने मिलकर दारा शिकोह के साथ बैटल किया और दारा शिकोह को करारी शिकस्त मिली और उसे वहां से भागना पड़ा। उसी दिन औरंगजेब ने मुराद बख्श को शराब पिलाकर बेहोश किया और उसे कैद कर लिया। कैद करने के बाद में मुराद बख्श को स्लो पॉइजन के थ्रू औरंगजेब ने मरवा दिया। दारा शिकोह जो भाग चुका था बैटल फील्ड से, भागता रहा, दर बदर भटकता रहा और बाद में पकड़ा गया। उसे वापस दिल्ली लाकर औरंगजेब ने मरवा दिया, और दारा शिकोह का जो बेटा था उसे भी औरंगजेब ने मरवा दिया। शाह सूजा जो बैटल फील्ड से भाग चुका था दारा शिकोह से हारने के बाद, बाद में वो औरंगजेब से उसने बैटल की, लेकिन वहाँ भी उसे हार का सामना करना पड़ा और उसे वहाँ से भागना पड़ा। शाह सूजा के बारे में इतिहास में उसके बाद से कोई बहुत ज़्यादा जिक्र नहीं है। मुगल बादशाह शाहजहां को औरंगजेब ने पहले ही कैद कर रखा था, और इस तरह उसने अपने रास्ते के सभी कांटों को हटा करके मुगल बादशाह बन बैठा। तो इतनी प्यार भरी दास्तान सुनने के बाद चलिए अब हम बात करते हैं औरंगजेब के अपने वाइफ्स और बच्चों के बारे में। औरंगजेब की जो सबसे पहली वाइफ थी वो थी दिलारस बानू बेगम, ऑल्सो नोन एज राबिया उद्दुर्रानी। और औरंगजेब ने जो औरंगाबाद में बीवी का मकबरा बनवाया है वो इसी वाइफ के याद में बनवाया है। औरंगजेब की जो दूसरी वाइफ थी उसका नाम था रहमत उन निसा, ऑल्सो नोन एज नवाब बाई। अनदर सेकेंडरी वाइफ ऑफ औरंगजेब वॉज औरंगाबादी महल। इसका नाम औरंगाबादी इसलिए पड़ा क्योंकि ये मुगल हरम जो औरंगाबाद में था वहाँ पे इसको डाला गया था, इसलिए इसका नाम औरंगाबादी महल पड़ गया। इसके अलावा औरंगजेब की उन कॉन्क्यूबाइंस की बात कर लेते हैं जिनसे औरंगजेब को बच्चे थे। उसमें से एक नाम आता है उदयपुरी महल का। ये एक जॉर्जियन स्लेव गर्ल थी जो दारा शिकोह के हरम में थी, और दारा शिकोह के मरने के बाद औरंगजेब ने उसको अपने हरम में शामिल कर लिया था। ऐसा माना जाता है, और हिस्टोरियंस ने ऐसा लिखा भी है, कि ये उस जमाने में बहुत ही यंग थी, क्योंकि जब ये पहली बार माँ बनी थी उस समय औरंगजेब की एज लगभग 50 साल थी। दूसरी कॉन्क्यूबाइन थी जैनाबादी, जैनाबादी जिसका एक्चुअल नाम था हीराबाई। जैनाबादी जो औरंगजेब का मौसा था मीर खलील, उसकी एक तरह से कीपिंग थी, या फिर आप स्लेव कह सकते हैं, वो थी। और औरंगजेब ने जब एक बार विजिट किया था अपने मौसा के घर को, तो उसने जैनाबादी को देखा, यानी हीराबाई को देखा, और वो उसमें मोहित हो गया। लेकिन ये बाद में उसे समझ में आया कि मीर खलील जो उसका मौसा है वो उसे उसको देगा नहीं, तो औरंगजेब ने अपने मौसा को कत्ल करने का प्लान बनाया। लेकिन बाद में ये मुद्दा सॉल्व हुआ इस तरह से कि मीर खलील जो उसका मौसा था उसने डिमांड करी कि औरंगजेब अपनी हरम से एक लड़की को दे, तो वो उसे जैनाबादी दे दे। दोनों इस तरह से राजी हुए कि औरंगजेब ने अपनी हरम से 76 बाई को दिया, जो कि एक स्लेव गर्ल थी, और बदले में उसको उसके मौसा ने हीरा बाई को उसके हरम में डाल दिया। तो एक स्लेव गर्ल का दूसरे स्लेव गर्ल्स के साथ सौदा हुआ, और इस तरह से औरंगजेब को उसकी दूसरी कॉन्क्यूबाइन हीरा बाई मिली, जिसका बाद में नाम हुआ जैनाबादी। औरंगजेब को उसकी वाइफ दिलारस बानू बेगम से टोटल 5 बच्चे थे,
जिसमें से सबसे पहली थी जेबुन निशा। जेबुन निशा वैसे एक पोएट थी और वो अपने पेन नेम मख्फी नाम से अपने पोएम्स लिखती थी। जेबुन निशा की कुछ अफेयर्स की खबरें भी उड़ी थी जिसकी वजह से बाद में औरंगजेब ने उसको कैद कर दिया था सलीम गढ़ फोर्ट दिल्ली में, जहां वो 20 साल तक कैद रही और लास्ट में उसकी डेथ हो गई थी। दिलारस बानू बेगम से जो दूसरी गर्ल चाइल्ड थी वो थी जीनत उन निशा बेगम, और इसकी डेथ अनमैरिड कंडीशन में हुई थी एट द एज ऑफ 77। दिलारस बानू बेगम से जो तीसरी गर्ल चाइल्ड थी वो थी जुब्दत उन निशा। इसकी शादी दारा शिको के मरने के बाद एक पॉलिटिकल मैरिज कराई गई थी दारा शिको के दूसरे बेटे शिफिर शिको के साथ। दिलारस बानू बेगम से जो फोर्थ चाइल्ड था वो था मोहम्मद आजम। इसका एक्चुअल नाम था मिर्जा कुतुबुद्दीन मोहम्मद आजम, इसको आजम शाह भी कहा जाता था। जब वॉर ऑफ सक्सेशन हुआ औरंगजेब की डेथ के बाद, तो इसका जो हाफ ब्रदर था शाह आलम, उसने मोहम्मद आजम और उसके तीन बच्चों को किल कर दिया था एक बैटल में। दिलारस बानू बेगम से जो फिफ्थ चाइल्ड था वो था मिर्जा मोहम्मद अकबर। मिर्जा मोहम्मद अकबर ने अपने फादर औरंगजेब के खिलाफ एक रिबेलियन किया था जिसकी वजह से उसे बाद में एग्जाइल पे जाना पड़ा और वो पर्शिया में एट द टाइम ऑफ एग्जाइल पर्शिया में उसकी डेथ हो गई। औरंगजेब की जो दूसरी बीवी थी नवाब बाई, उससे जो सबसे पहला बेटा था वो था मोहम्मद सुल्तान, मिर्जा मोहम्मद सुल्तान। मिर्जा मोहम्मद सुल्तान का जो फादर मिला था वो औरंगजेब का भाई था शाह सुजा, जो कि बाद में एग्जाइल कर गया। जब वॉर ऑफ सक्सेशन हो रही थी औरंगजेब की बाकी अपने भाइयों के साथ, तो उस समय औरंगजेब के इस बेटे ने मोहम्मद सुल्तान ने अपने फादर इनला, जो शाह सुजा था वो इसका फादर इनला था, इसने उसका साथ दिया था, जिसकी वजह से बाद में मोहम्मद सुल्तान को औरंगजेब ने कैद करवा दिया था और उस कैद में ही बाद में उसकी डेथ हो गई। नवाब बाई से जो दूसरा बच्चा था उसका नाम था मोहम्मद मुअज्जम। इसका एक दूसरा भी नाम था शाह आलम फर्स्ट और एक तीसरा भी नाम था बहादुर शाह फर्स्ट। औरंगजेब की डेथ के बाद बहादुर शाह फर्स्ट ही मुगल सल्तनत पे काबिज हुआ था। औरंगजेब की जो तीसरी बीवी थी औरंगाबादी महल, उससे एक ही बेटी थी, उसका नाम था मेहर उन्निसा बेगम। उदयपुरी महल जो कि एक स्लेव गर्ल थी, जॉर्जियन स्लेव गर्ल, उससे औरंगजेब को एक बेटा हुआ था जिसका नाम था मोहम्मद काम बख्श। मोहम्मद काम बख्श को उसके हाफ ब्रदर शाह आलम वन ने वॉर ऑफ सक्सेशन में कैप्चर किया था और बाद में पॉइजन दे करके मार दिया था। तो दोस्तों, अगर हम इस पूरी स्टोरी को बहुत ही शॉर्ट में समराइज करें तो औरंगजेब के टोटल 14 भाई बहन थे। इन 14 भाई बहनों में से 7 भाई बहनों की बहुत ही बचपन में चाइल्डहुड में ही डेथ हो गई थी। बाकी जो बचे इसके 7 भाई बहन थे उसमें से ये 4 भाई थे और 3 बहनें थीं। इन 4 भाइयों में वॉर ऑफ सक्सेशन थी। वॉर ऑफ सक्सेशन के दौरान औरंगजेब ने अपने भाई मुराद बख्श को मारा, अपने भाई दारा शिको को मारा, अपने भाई दारा शिको के छोटे बेटे को मारा। इसका एक और भाई था शाह सुजा, जिसके साथ इसने बैटल लड़ी और शाह सुजा वहां से भाग गया, बाद में उसका कोई अता पता नहीं चला। इसके अलावा मिर्जा मोहम्मद अकबर, जो औरंगजेब का एक बेटा था, उसने अपने फादर के खिलाफ रिवॉल्ट किया जिसकी वजह से उसे एग्जाइल में पर्शिया जाना पड़ा, जहां पे बाद में उसकी डेथ हो गई। एक और बेटा था मोहम्मद सुल्तान, जिसका फादर इन लॉ था शाह सुजा, जो औरंगजेब का भाई था। मोहम्मद सुल्तान ने अपने फादर इन लॉ का साथ दिया और रिवॉल्ट किया औरंगजेब के खिलाफ, जिसमें औरंगजेब ने उसको जेल कर दिया और बाद में उसकी वहां पे डेथ हो गई थी। तो दोस्तों, इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये कितनी ही हैप्पी स्मॉल फैमिली थी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो कृपया लाइक बटन जरूर दबाएं, सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।